मॉर्निंग दोस्तों, एक और दिन और आज का दिन है वॉशिंगटन डीसी में। बहुत थके हुए थे, रात के 2 बजे पहुंचे हम लोग और इस टाइम हुए 6:15। निकल चुके हैं, होटल में चेक इन हो चुके हैं, पापा मेरे साथ हैं और हम लोग जा रहे हैं सुबह का सनराइज देखने के लिए। इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं लिंकन मेमोरियल पे। जैसे कि आप देख सकते हो, सूरज निकलने वाला है, दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट हो भी चुकी है, ट्वाइलाइट जोन है इस टाइम पे। तो आपको भी दिखाते हैं और देखते हैं सनराइज लिंकन मेमोरियल पे। ये जो अभी पीछे था ना, ये पीछे ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लग रहा है। तभी हर चीज पे अब आजकल सिक्योरिटी है ना, क्योंकि हर चीज क्वेश्चन होती है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्वेश्चन होता है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन होता है, कैपिटल पार्लियामेंट क्वेश्चन होती है। तो हर जगह इन्होंने सिक्योर कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं आप। और फाइनली हम लोग उस एरिया में पहुंच चुके हैं जिसको मैं इंडिया गेट मानता हूँ, कि बिल्डिंग्स 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 और उसके बाद एकदम ग्रीनरी। चीज़ों को आप जितना मर्जी देख लो फोटोज में, जो एक रियल का मजा है वो अलग ही है। पीछे क्या प्यारा वो आ रहा है, पूरा से ऑरेंज हुआ हुआ है जो पूल है। ब्यूटीफुल। पीछे मेरे आप देख सकते हो वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है और सन की किरणें, सन की रेज आनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही सुंदर है। सो लिंकन मेमोरियल फिलहाल पापा और मैं सनराइज चेक। और ये है एक्चुअल लिंकन मेमोरियल। और फाइनली हमें वो चीज़ मिल रही है जो कि स्पेशली हम लोग आए थे सनराइज के लिए। तो पहली रेज जो है वो मेमोरियल के ऊपर पड़ रही हैं और सडनली कलर पूरा जो है वो ऑरेंजिश हो गया है। और ये है ब्यूटीफुल लिंकन मेमोरियल सनराइज के टाइम पे। और ये है पीछे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। और आपको दिखाते हैं हम पीछे लिंकन मेमोरियल। ये है लिंकन मेमोरियल और उसके पीछे आप लोगों में से बहुत लोग पूछेंगे कि अब्राहम लिंकन कौन है। वेल, हिस्ट्री डेफिनेटली आप देख सकते हो, लेकिन अगर अमेरिका को किसी, अमेरिका जैसे बड़े से नेशन को किसी ने यूनाइट किया तो वो था अब्राहम लिंकन। अब ये डिबेटेबल है, पर यप, दैट्स द लिंकन मेमोरियल। आपको मैं, आपने पता नहीं अंदर ये देखी है कि नहीं, पर पूरी की पूरी स्पीच जो उसने दी थी ना, वो लिखी हुई है, क्योंकि दैट वाज लाइक द आइकॉनिक स्पीच। कौन था? राजा राम मोहन राय। अच्छा, इंडिया में उनकी स्लेवरी थी? स्लेवरी थी, बहुत जबरदस्त थी। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं होटल में, क्योंकि पापा को चाय की खूब तेज तलब है। देखते हैं रास्ते से भी, देखते हैं ना। ना, रास्ते के नहीं जा रहे। हाँ, वंस अगेन, मतलब यहाँ से ना मन आपका, मन कर रहा है बस बैठ के देखते रहो इस चीज को। सामने एयरपोर्ट है, वो आप देख रहे हो सीधा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और उसके पीछे
कैपिटल हिल। हम इधर से आए थे। हाँ जी, इधर से आए हम लोग। तो रास्ता, हाँ हाँ, मतलब सी मल्टीपल रास्ते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो। ओस देखो कैसे जमी पड़ी है। और एक अच्छी सी वॉक के बाद और सनराइज के बाद हम लोग अब आए हुए हैं वापस होटल में। तो ये रहा अपना होटल। हाय, गुड मॉर्निंग। चाय अभी या ऊपर? आपका हाँ, ठीक है। सॉरी, चलो कोई नहीं। यू मिस समथिंग ऑसम। और मैं अनीश को दिखा रहा हूँ कि क्या मिस किया अनीश ने सोने से। ये भी उठ गई है। इसने ही तो उठाया। मम्मा, it's morning, let's get up, we have to go breakfast। मैं कहती हूँ तो होटल के सारे पर्क्स लेने के लिए आई है, घूमने के लिए नहीं आई। तो आज हाय, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे इमीडिएटली जाते ही मुझे रिग्रेट हुआ कि काश मैं भी चल लेती, काश। क्योंकि आज ही सनी था। After the breakfast, we all get ready and go. कैसे प्लान करना है वैसे? अब तुमने ना कहीं का नहीं छोड़ा कि इन द सेंस के 8 बज गए हैं, अब या तो एक ही बार नहा धो के निकले। That only, right? पौने 11 निकलते हैं यहाँ से। हाँ। अच्छा, नहा धो के।